आज हम सीख रहे हैं जी शार्प मेजर। तो जी शार्प मेजर बजाने के लिए हमें 3 नोट्स चाहिए, वो है जी शार्प, डी शार्प और सी। यानी कि ये है जी शार्प, डी शार्प और सी। ये तीनों कहीं पर भी इस गिटार पर यदि हमें मिल जाएंगे तो वो जी शार्प मेजर बन जाएगा। हम बजाएंगे किस तरह से, एक्चुअली आप यदि चाहेंगे तो फर्स्ट फ्रेट पर ही आप जी शार्प मेजर बजा सकते हैं। जी शार्प को फर्स्ट फ्रेट में ही आप पकड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिस्क ये है, आपको ऊपर का 2 स्ट्रिंग और नीचे का 1 स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग और नीचे का 1 स्ट्रिंग नहीं बजाना है। उसके बाद जो सेकेंड थर्ड फोर्थ स्ट्रिंग है यदि आप बजा सकते हो फर्स्ट फ्रेट में उसको प्रेस करके, तो वो जी शार्प है। क्यों? क्योंकि जी शार्प के लिए जो चाहिए हमको फर्स्ट फ्रेट पर मिल जाएगा। सेकेंड जो स्ट्रिंग है वो हम जब प्रेस करेंगे वो सी बन जाएगा, और उसके बाद थर्ड जो स्ट्रिंग है जब हम प्रेस करेंगे जी शार्प बन जाएगा, उसके बाद जो फोर्थ स्ट्रिंग है जब हम प्रेस करेंगे वो डी शार्प बन जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर इस तरह से पकड़ सकते हैं ए स्टाइल में, जो इस तरह से यदि पकड़ सकते हैं और फर्स्ट स्ट्रिंग और फिफ्थ और सिक्स स्ट्रिंग यदि साइलेंट रहेगा, म्यूट रहेगा, तो हम यदि कोशिश करके इस तरह से यदि बजाएंगे तो ये हमारा जी शार्प बन जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क होगा क्योंकि हिट करते समय, स्ट्रमिंग के समय हम सब स्ट्रिंग को बजा देंगे, इसलिए अच्छा होगा हम जो जी सीखे हैं पिछले सीरीज में उससे थोड़ा सा एक जो फ्रेट है आगे मूव करेंगे। इस तरह से यदि जी पकड़ते हैं तो एक बार हम ऐसा वापस आएंगे। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम आ रहे हैं 6 नंबर फ्रेट पर, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट जो फिंगर है वो फोर्थ नंबर फ्रेट पर फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग को प्रेस करेगा, और उसके बाद थर्ड जो स्ट्रिंग है फिफ्थ नंबर फ्रेट पर हमारा सेकंड फिंगर प्रेस करेगा। तो क्या क्या चाहिए हमें जी बजाने के लिए, सी चाहिए, डी शार्प चाहिए, जी शार्प चाहिए। तो ये हमारा, हम 2 फिंगर से भी ऐसा बजा सकते हैं, खाली इतना हमें ध्यान देना है हमको नीचे का 3 स्ट्रिंग को हिट करना है और ऊपर का जो 3 स्ट्रिंग है उसको हम टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से भी हम बजा सकते हैं। दूसरा, जैसा हम जी पकड़े थे एक घर मूव करेंगे ऐसा आगे आएंगे, या फिर हम ऐसा पकड़ेंगे ऐसा, तो क्या क्या ए ऑलरेडी ये चीज तो आपको मालूम हो गया, बताए हैं फर्स्ट फिंगर को यहाँ रखना है और सेकंड फिंगर को यहाँ। अभी क्या करना है, इसका जो थर्ड फिंगर है, थर्ड फिंगर को आप 6 नंबर फ्रेट पर लेकर के आएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग को, और उसके बाद फोर्थ जो फिंगर है उसको आप फोर्थ स्ट्रिंग को प्रेस करेंगे 6 नंबर फ्रेट पर, और उसके बाद ये बन जाएगा ऊपर का स्ट्रिंग आपका अभी ओपन है, इसको हमने छोड़ दिया है, सिर्फ हम फिफ्थ से जा रहे, देखिए फिफ्थ फोर थर्ड सेकेंड फर्स्ट। तो जब हम ऐसा प्रेस करेंगे तो जी शार्प का इस तरह से, जी मेजर शार्प का साउंड इस प्रकार से आएगा ऐसा, तो पकड़ने का स्टाइल ऐसा है, या फिर आप पूरा जो आपका जो फोर्थ फ्रेट है फर्स्ट फिंगर से प्रेस कर दीजिए। अभी सुनिए, तो ये आपका जी शार्प है। उसके अलावा भी हम और दूसरा स्टाइल में, डी स्टाइल में हम पकड़ेंगे यहाँ पे, जैसा डी पकड़ते थे वैसा यहाँ। तो डी स्टाइल में बजाने के लिए हमको फ्रेट नंबर 8 और 9 को कवर करना है। 8 नंबर फ्रेट पर हमारा 2 फिंगर यानी कि फिंगर फर्स्ट एंड सेकेंड आएगा, और उसमें थर्ड स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग को हम प्रेस कर रहे हैं, और 9 फ्रेट पर हमारा थर्ड फिंगर सेकेंड स्ट्रिंग को प्रेस कर रहा है इस प्रकार से। आप इस तरह से पकड़ सकते हो या फिर इस तरह से, इस तरह से हम बजा सकते हैं।
ओके, या फिर ए स्टाइल में और एक बार यहां पर आप पकड़ेंगे, ये जी है तो ये जी सार, इस प्रकार से। तो ये है हमारा जी सार मेजर। अब हम ध्यान देंगे इसका सरगम यानी कि सारेगामा। तो जी सार मेजर सारेगामा बजाने के लिए हमें कौन कौन सा नोट्स जरूरत पड़ रहा है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ रहा है पहले तो जी सार, ए सार, सी, सी सार, डी सार, एफ, जी, जी सार, जी सार, जी, एफ, डी सार, सी सार, सी, ए सार, जी सार। आप यहां पर भी आप बजा सकते हैं सारे गामा। तो ये रहा हमारा जी मेजर सा, इस तरह से हम पकड़ते हैं और बजाते हैं। आशा करता हूं आपको जरूर समझ में आया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।